धार जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह मतदान शुरू हो गया है। सुबह से लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। मतदान को लेकर उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला फूल कुंवर बाई परिजनों के सहारे से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची थी। वहीं अपने जीवन का पहला वोट डालने भी युवा मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंचे थे। बुजुर्ग महिला ने अपने मत का प्रयोग करने के बाद अपील की, मतदान करना सभी का कर्तव्य है और इस अधिकार का प्रयोग कर मतदान प्रतिशत में इजाफा किया जाना चाहिए। वहीं पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं का कहना है कि जीवन में पहली बार अपने मत का प्रयोग करना बेहद सुखद अनुभव रहा, साथ ही हमें मिलकर एक ऐसा जनप्रतिनिधि और सरकार चुनना चाहिए जो शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ देश प्रदेश में विकास को लेकर अग्रसर रहे। धार जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1921 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 479 मतदान केंद्र क्रिटिकल श्रेणी में रखे गए हैं, जिनमें सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिले में कुल 13 पिंक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए कई मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी रखी गई है। धार जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कुल 52 प्रत्याशी इस बार चुनाव के मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। मैं 83 साल की हूँ, मेरा नाम फूलकुंवर प्रधान है। मैं हमेशा वोट डालती हूँ, वोट डालना सबका अधिकार है, सबको वोट डालना चाहिए जो अच्छी सरकार बनती है। ये मेरे जीवन का पहला वोट है और मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो शिक्षा और व्यवसाय से आगे बढ़ा के हमको फायदा दे और गरीब जनों की मदद करे। किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए? ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो आगे हमारे डेवलपमेंट में मदद करे, जो शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे रोजगार लेके आए, जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें रोजगार भी दे। बस ऐसे ही। पहला वोट डाल के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग पहली बार वोट दे रहे हैं और किसी एक सरकार को चुनेंगे। ये मेरा पहला अधिकार है और मैं बीएससी फिफ्थ ईयर लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा पहला अधिकार है और मैं सुबह जल्दी आके सही विकास के लिए सही नेताओं को चुनने का अधिकार रखती हूँ। आपने वोट डाला तो क्या सोच के डाला है? ये वोट डाल के हमने ये सोचा कि युवा पीढ़ियों को सही विकास मिले और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, देश का विकास हो और सब कुछ अच्छा रहे, इसलिए पहला वोट सही टाइम पे दिया आके। धार जिले के सभी 1921 मतदान केंद्र में पोलिंग शुरू हो चुकी है। मॉक पोल शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। प्रारंभ में कुछ ईवीएम और वीवीपैट के बारे में कुछ समस्याएं आई थी, उन समस्याओं का भी निराकरण कर लिया गया। मैं धार जिले के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो एथिकल वोटिंग करें, अधिक से अधिक मतदान करें और पूरे ज़िले का जो आज इलेक्शन का काम चल रहा है उसको शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की मदद करें।